हमारी वीडियो देखने वालों को सभी को नमस्ते। और देखिए हम यहाँ आपको यहाँ इसमें आपको हम फूल बनाकर दिखाएंगे तीन कलर में और तीन फूल बनाएंगे। यहाँ हमने तीन फूलों के लिए 57 मतलब 50 और 7 फंदे लिए हैं। एक फूल 19 फंदों में 90 फंदों में बनेगा और ये तीन बनेंगे। हम आपको एक ही बना के दिखाएंगे 90 फंदों का 19 फंदों का। आपको जो कलर अच्छा लगे उस कलर में बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सीधे सीधे बनाना है। मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों का बॉर्डर बना रखा है। आपको उल्टे सीधे जो भी बॉर्डर हम भी कई वीडियो में डालते हैं और भी सब डालते हैं, जो आपको पसंद आए वो बॉर्डर बनाकर। और यहाँ पर एक पीछे से पूरी उल्टी सिलाई आए इस तरह से सीधी 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 की है और उसके बाद बनाए। दो सिलाई भी बना सकते हैं, इधर से सीधी ले जाए और उधर से उल्टी ला के। हमने इससे ग्रीन कलर को बांध रखा है। आप इस कलर की जगह येलो कलर, पीला या कोई और कलर भी ले सकते हैं। दो फंदे हम टू फंदे हरे रंग के बनाएंगे, चार फंदे फोर सफेद रंग के। चार फंदों के बाद फिर हम इसमें यहाँ पर लाल रंग लगा लेंगे। देखिए आप इसे अच्छी तरह से बांध लें। मैं इसमें इसी तरह डाल रही हूँ बिना बांधे पीछे से। और यहाँ पर हम इसमें दो फंदे रेड कलर के लाल रंग के बनाएंगे, फिर तीन फंदे सफ़ेद रंग के वाइट कलर के। एक दो तीन, तीन फंदों के बाद फिर से हम यहाँ पर लाल रंग के फंदे बनाएंगे। दो फंदे लाल रंग के बनाएंगे। एक दो, दो फंदों के बाद चार फंदे सफ़ेद रंग के बनाएंगे। एक दो तीन चार, चार के बाद दो फंदे हरे रंग के बनाएंगे। एक दो टू, मैं आपको इसकी काउंटिंग करके दिखा दूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह और उन्नीस। देखिए फूल, ये एक फूल का फूल के फंदे हैं। और अब जब हम दूसरा फूल यहाँ से शुरू करेंगे इस हरे रंग के कलर के पास से, तो हम यहाँ शुरू में इसी तरह बनाएंगे। यहाँ दो फंदे हरे बनाए हैं तो हमें यहाँ भी हरे ही बनाने हैं। देखिए एक और दो, मैं आगे नहीं बनाऊंगी, मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद हमें यही इसी तरह बनाना है जिस तरह ये देखिए। यहाँ ये बीच में देखने में चार फंदे लग रहे हैं लेकिन ये इधर की साइड का है और ये इधर की साइड का। अब मैं इसे आगे आपको बना के दिखा रही हूँ। पहली रो है, पहली सिलाई। देखिए हमारी पहली रो कंप्लीट होगी और यहाँ इधर की साइड में दो हरे आए हैं और इधर की साइड में देखिए बीच में हमारे चार चार फंदे हैं, जिस तरह हमने आपको बताया था। यहाँ तक एक फूल होता है और उसके आगे दूसरे। अब हम यहाँ पर दूसरी रो है, दूसरी सिलाई मतलब टू रो। यहाँ हम तीन फंदे हरे बनाएंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे हरे बना लिए हमने। देखिए हम इसे, आप इस तरह धागे को हमेशा जब बनाएं तो इससे इस तरह ऊपर को लेते रहें और इसे नीचे से हम बनाते हुए वीडियो में एक दो बार छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसे उधेड़ देते हैं। आप जब जर्सी स्वेटर बनाएं तो इस तरह लेते चले जाएं, इससे ये दब जाते हैं। और यहाँ हम दो फंदे सफ़ेद रंग के वाइट कलर के ये बनाए और फिर यहाँ चार फंदे अब की बार हम लाल रंग के बनाएंगे इस तरह। एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे हमारे लाल रंग के बन गए। यहाँ पर वन फंदा वाइट कलर का, फिर चार फंदे लाल रंग के। एक फोर दो तीन और एक ये चार, और यहाँ पर
ठीक है, चार फंदे लाल रंग के, एक वाइट और चार फंदे, और फिर यहाँ दो फंदे सफेद रंग के बनाएंगे, एक दो तीन फंदे यहाँ इस तरह हमने शुरू में बनाए हरे रंग के बनाएंगे। देखिए ये यहाँ हमारे बीच में 19 फंदों का एक फूल बन गया है। अब यहाँ हम तीन फंदे बनाएंगे इसी तरह, जिस तरह हमने यहाँ जितने फंदे बनाए हैं इसी तरह हम आगे बनाते चले जाएंगे। यहाँ तीन फंदे बनाएंगे मतलब बीच में हमारे 6 फंदे 6 फंदे बन जाएंगे। हम इस रो को पूरी को बना के दिखा रहे हैं आपको, ये दो सिलाई देखिए, ये हमारी यहाँ पर दो सिलाई कंप्लीट होगी, टू रो। अब ये थ्री तीसरी है, तीसरी सिलाई थर्ड रो। देखिए यहाँ हम पहला फंदा आपकी बार वाइट कलर का बनाएंगे और तीन फंदे हरे रंग के, एक दो और तीन, थ्री फंदे हरे और वन फंदा सफ़ेद, चार फंदे लाल, एक दो तीन चार, चार के बाद वन फंदा सफ़ेद, फिर से चार फंदे लाल रेड कलर के, एक दो तीन चार, चार के बाद वन फंदा वाइट कलर का सफ़ेद, और यहाँ हम सॉरी हरे बनाएंगे, एक दो और एक ये तीन, तीन फंदे हमने हरे बना लिए यहाँ पर और वन फंदा सफ़ेद रंग का। अब देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है थर्ड रो। अब की बार यहाँ बीच में दो फंदे सफ़ेद रंग के आएंगे, ये हम आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, और ये यहाँ पर तीन फंदे हरे रंग के, ये दूसरा फूल शुरू हो रहा है यहाँ से बीच में से। देखिए ये यहाँ पर एक है वाइट और यहाँ दो बन गए, ये यहाँ तक इसी तरह हमें अब सारी इन फूलों को बनाना है। ये हमारी तीसरी सिलाई है, हम इसे आपको बना के दिखा रहे हैं, यही हमें आगे बनाने हैं। देखिए हमारी यहाँ पर ये तीन सिलाई कंप्लीट हो गई है, और ये फोर रो है, फोर रो में हम यहाँ शुरू में हम तीन फंदे थ्री सफ़ेद रंग के वाइट कलर के बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे वाइट कलर के। देखिए जब आप स्वाटर या जर्सी जिसमें भी इस डिज़ाइन को बनाएं तो बराबर में दो दो फंदे इन फंदों से अलग बना लें, सिलाई में आ जाते हैं और यहाँ बराबर में रहते हैं। यहाँ हमने तीन फंदे सफ़ेद रंग के बना लिए और दो फंदे हम यहाँ पर लाल रंग के बनाएंगे, एक दो, दो फंदे लाल रंग के बना लिए, एक फंदा सफ़ेद रंग का, फिर तीन फंदे लाल रंग के, एक दो तीन, तीन फंदों के बाद एक फंदा सफ़ेद रंग का, फिर से तीन फंदे बनाएंगे हम लाल रंग के रेड कलर के, एक दो तीन, वन फंदा सफ़ेद रंग का, और यहाँ पर हम देखिए एक दो, दो फंदे लाल रंग के यहाँ की तरह, और यहाँ हम तीन फंदे देखिए यहाँ पर हम तीन फंदे लाल रंग के बनाएंगे, वन फंदा सफेद बना दिया हमने और तीन फंदे लाल रंग के, और यहाँ पर तीन फंदे सफेद रंग के बनाएंगे,
एक, दो, देखिए सॉरी यहाँ हम दो फंदे लाल रंग के बनाएंगे, एक, दो और तीन, तीन सफेद रंग के हो गए हमारे फंदे यहाँ पर। देखिए तीन फंदे हमारे यहाँ इधर के सफेद हो गए, एक बार फिर देख लें, तीन फंदे सफेद, दो लाल, एक सफेद, तीन लाल, एक सफेद, तीन लाल, एक सफेद, दो लाल, तीन सफेद, इस तरह ये पूरा एक फूल बन गया, फूल के फंदे हमारे। और यहाँ फिर हम तीन फंदे फिर से सफेद बनाएंगे, एक, दो और देखिए तीन, ये हमारी फोर रो है चौथी सिलाई। और हम इसे देखिए यहाँ से दूसरा फूल शुरू होगा और आपको बना के दिखा रहे हैं आगे से, ये इतना यहाँ बीच में हमारे एक फूल के छह फंदे बन जाएंगे, सिक्स सफ़ेद रंग के। और ये दूसरा फूल अब यहाँ से लाल से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा सफ़ेद कलर से। देखिए हमारी ये चार रो कंप्लीट होगी है और ये चार सिलाई कंप्लीट होगी, ये पांचवी सिलाई है। इस पांचवी सिलाई में शुरू में वहाँ फाइव रो, तीन फंदे हम सफ़ेद के बनाएंगे, एक, दो, तीन और यहाँ पर तीन फंदे लाल रंग के, एक, दो, तीन, फिर फंदा सफ़ेद रंग का और दो फंदे लाल रंग के, एक, दो, इस तरह। और बीच का फंदा हमारा सफ़ेद ही बनेगा, ये फिर से दो फंदे लाल रंग के, एक, दो, फिर एक फंदा सफ़ेद रंग का, एक, फिर तीन फंदे यहाँ लाल रंग के, एक, दो, तीन, फिर तीन फंदे सफ़ेद रंग के, एक, दो, तीन। देखिए ये हमारा एक फूल कम, एक फूल के फंदे कंप्लीट हो गए और यहाँ से दूसरा शुरू होगा, ये यहाँ से हम दूसरा आपको आगे बना के दिखा रहे हैं। और ये पांचवी सिलाई है, पांचवी फाइव रो, पांचवी यहाँ से ये यहाँ पर छह फंदे हो जाएंगे बीच में, ये दूसरे फूल के तीन फंदे हैं और तीन इधर के, हम आपको इसे बना के दिखा रहे हैं। देखिए हमारी पांच सिलाई फाइव रो कंप्लीट हो गई है और ये पीछे की साइड से सिक्स छठी सिलाई है, इसमें दो फंदे हम सफ़ेद बनाएंगे शुरू में, एक, दो, फिर पांच फंदे रेड कलर के, एक, दो, तीन, चार और एक, ये पांच, पांच फंदे हमने लाल रंग के बना लिए, वन फंदा सफ़ेद रंग का, वन फंदा लाल रंग का, वन फंदा सफ़ेद रंग का, वन फंदा लाल रंग का, वन फंदा सफ़ेद रंग का। देखिए यहाँ पर हमारे ये पांच फंदे बन गए हैं इस तरह, तीन सफ़ेद, तीन सफ़ेद और दो लाल, पांच फंदे बने हैं हमारे बीच में। और फिर से हम पांच फंदे यहाँ पर लाल बनाएंगे रेड कलर के, एक, दो, तीन, चार और पांच, दो फंदे सफ़ेद कलर के, एक, दो। देखिए ये हमारा एक फूल के फंदे कंप्लीट हो गए हैं और फिर हम यहाँ से दूसरा शुरू करेंगे, दूसरे में दो फंदे सफ़ेद रंग के शुरू में। देखिए इस तरह ये बीच में हमारे चार फंदे हो जाएंगे, दो इधर की साइड के फूल के और दो इधर की, ये छठी सिलाई है, छठी सिक्स रो। अब हम आपको इसे आगे बनाकर दिखाते हैं। देखिए हमारी छह सिलाई कंप्लीट हो गई है इस तरह, अब ये सातवीं सिलाई है, सेवन रो,
इस 7 रो में हम पहले दो फंदे तो सफ़ेद ही बनाएंगे, वाइट, एक दो, फिर 6 फंदे, एक दो तीन चार पाँच और 6 फंदे लाल कलर के बनाएंगे हम, 1 फंदा सफ़ेद रंग का, फिर ये बीच का जो फंदा है हमारा, अब की बार हम इसे हरा बनाएंगे। आप जिस कलर से फूल बनाए हैं उससे बना सकते हैं। देखिए 1 फंदा हरा बना दिया हमने और फिर 1 फंदा वाइट इस तरह, और फिर यहाँ हम 6 फंदे लाल कलर के, 6, 1 2 3 4 5 और 6 के बाद हमने यहाँ पर 2 फंदे सफ़ेद बनाने हैं वाइट कलर के, 1 और 2। देखिए ये हमारा 1 फूल के फंदे कंप्लीट हो गए और ये 2, अब यहाँ पर ये 4 फंदे बीच में बनेंगे सफ़ेद कलर के, और हम इन्हें आगे फूलों को बनाकर दिखाते हैं। ये यहाँ तक ही इसी तरह बनाने हैं, इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक बनाए हैं 2। अब यहाँ 2 से इस तरह शुरू हो जाएगा, 7वीं रो है। देखिए हमारी 7 सिलाई कंप्लीट हो गई है और पीछे की साइड से 8वीं रो है, 8 रो। इसमें हमने पहला 1 फंदा हरा बनाना है। 1 फंदा हरा बनाने के बाद 2 फंदे वाइट कलर के बनाएंगे सफ़ेद, 1 और 2, 2 फंदे वाइट कलर के, फिर 4 फंदे लाल रंग के बनाएंगे। धागों को इस तरह लेने से 1 2 3 और 1 4, 4 फंदे लाल रंग के और 1 फंदा सफ़ेद रंग का, फिर यहाँ 3 फंदे हम हरे रंग के बनाएंगे। एक दो और 3, 3 फंदों के बाद 1 फंदा सफ़ेद रंग का, 1 ही फंदा बनाना है और 4 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4, 4 फंदे लाल रंग के, और देखिए यहाँ पर 1 फंदा सफ़ेद रंग का और 1 फंदा हरे रंग का। देखिए यहाँ 2 फंदे बनाए हमने सफ़ेद और यहाँ भी हम 2 फंदे ही सफ़ेद बनाएंगे, 2 फंदे सफ़ेद रंग के, 4 लाल, 2 सफ़ेद। देखिए जितने यहाँ शुरू में बनाते हैं इतने हम यहाँ बनाते हैं, और 1 फंदा अपन हरे रंग का, और ये हमारा 1 फूल, यहाँ पर 1 फूल के हमारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। और फिर यहाँ पर 1 फंदा हमारा बनाएंगे दूसरे फूल को शुरू करने के लिए, यहाँ बीच में 2 फंदे हरे आ जाएंगे, उसके बाद 2 फंदे हम सफ़ेद रंग के बनाएंगे ये दूसरा फूल, और उसके बाद इसी तरह हम ये यहाँ 4 फंदे लाल रंग के बनाएंगे। हम आपको इसे बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई है, 8 रो, और ये 9 है 9वीं सिलाई। इसमें हमने यहाँ पर 2 फंदे हरे बनाने हैं ग्रीन, 1 और 2, फिर यहाँ हमें 5 फंदे सफ़ेद रंग के बनाने, वाइट, 1 2 3 4 5, और देखिए बीच के 5 फंदे हरे बनाने हैं हमें, 1 2 3
चार और एक ये पांच, फिर पांच फंदे सफ़ेद बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे, फिर दो फंदे हमें यहाँ पर हरे बनाने हैं, एक दो देखिए, और ये यहाँ से दूसरे फूल की फूल बनेगा, यहाँ से ये दूसरे फूल का, ये यहाँ तक एक फूल का ही कंप्लीट हो गया है। और ये हमारी नौवीं सिलाई है थी, और इसमें थोड़ा दिखा दें, एक दो, दो फंदे यहाँ बीच में हमारे चार फंदे बन जाएंगे, और चार फंदों के बाद देखिए पांच फंदे लाल रंग के बनेंगे और पांच हरे, इस तरह ये यहाँ अपने सॉरी लाल नहीं सफ़ेद बनेंगे इस तरह। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ, पांच फंदे यहाँ पर सफ़ेद, दो तीन चार पांच, और यहाँ पर पांच फंदे हरे। देखिए हमारी नौवीं सिलाई है, हम इसे अब आगे आपको बना के दिखा रहे हैं, जो तीसरा फूल हमारा बचा है इस तरह। देखिए हमारी यहाँ नौ रो कंप्लीट हो गई है, इधर भी इतने फंदे हैं और इधर की साइड, ये दसवीं रो है, दसवीं सिलाई हमारी पीछे से टेन, इसमें वन फंदा हम हरे रंग का बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए दो फंदे सफ़ेद रंग के, एक दो, दो फंदों के बाद यहाँ पर हम चार फंदे लाल रंग के बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार फंदों के बाद यहाँ पर हम देखिए चार फंदे हमने वन फंदा सफ़ेद बनाएंगे इस तरह, और फिर यहाँ एक दो तीन फंदे हरे, फिर वन फंदा सफ़ेद, फिर चार फंदे लाल, एक दो तीन और एक चार, चार फंदों के बाद दो फंदे यहाँ सफ़ेद, ये हमारा एक दो, देखिए ये दो फंदे सफ़ेद बनाए यहाँ पर और एक फंदा हरा। ये हमारे यहाँ दसवीं रो एक फूल का, फूल के फंदे कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ बीच में अब की बार हमारे जब दूसरा फूल शुरू करेंगे दो फंदे आएंगे, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है, और हम इसे आगे बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी यहाँ 10 रो कंप्लीट हो गई हैं, और अब यहाँ पर हम 11 रो बना रहे हैं, 11, इसमें हमने दो फंदे सफ़ेद रंग के बनाने हैं शुरू में। एक दो, फिर दो फंदों के बाद यहाँ 6 फंदे, एक दो तीन चार पाँच और छः, 6 फंदे लाल रंग के, और फिर वन फंदा सफ़ेद रंग का। वन फंदा हरे रंग का, फिर वन फंदा सफ़ेद रंग का इस तरह, और फिर यहाँ 6 फंदे लाल रंग के, एक दो तीन चार पांच और देखिए 6, और दो फंदे यहाँ पर सफ़ेद रंग के बनेंगे, एक और एक ये दो। देखिए ये हमारी 11वीं सिलाई है,
और ये यहाँ तक के यहाँ तक फंदे खोल के तैयार हो गए हैं। आगे हम इसी तरह बनाएंगे। और ये यहाँ बीच में देखिए, एक और दो, चार फंदे यहाँ पर सफ़ेद रंग के बन जाएंगे। और उससे फिर यहाँ छह फंदे रेड कलर के, इसी तरह आगे बनता चला जाएगा। उस तरह हमने यहाँ बताया है। और ये 11वीं रो है, देखिए 11वीं रो कंप्लीट होगी, 11वीं हमारी। और पीछे से बैक साइड से 12वीं रो है, 12। इसमें दो फंदे हम सफ़ेद रंग के बनाएंगे, एक दो। फिर यहाँ पर हम पांच फंदे लाल रंग के, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे लाल रंग के, वन फंदा सफ़ेद, वन फंदा लाल, वन फंदा सफ़ेद और वन फंदा सफ़ेद, वन फंदा लाल और फिर वन फंदा सफ़ेद और वन फंदा लाल। यहाँ पर पांच फंदे सफ़ेद लाल बनाएंगे, वन फंदा सफ़ेद, सॉरी पांच नहीं, देखिए वन फंदा सफ़ेद, वन फंदा लाल, वन फंदा सफ़ेद और वन फंदा लाल और फिर वन फंदा सफ़ेद बनाएंगे इस तरह। देखिए ये जो हमारे यहाँ अब की बार हरी हरी से कोई चीज़ नहीं बना रहे हम, फिर ये दूसरी सिलाई में जब आता है तो इस तरह हम इस धागे को हर बार इस तरह ले जाते हैं, अगर नहीं बनाते तो इससे इस तरह कर करके ले जाते हैं इधर की साइड में। देखिए यहाँ पर पांच फंदे हम लाल रंग के बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, दो फंदे सफ़ेद रंग के बनाएंगे जो शुरू में बनाए हमने वही, एक दो। देखिए ये 12वीं रो है, 12वीं सिलाई है, इस तरह बननी है एक फूल। और यहाँ बीच में ये चार फंदे बन जाएंगे सफ़ेद रंग के, उसके बाद पांच फंदे लाल, दूसरा फूल शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फूल के फंदे हैं। हम आगे बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए हमारी 12 सिलाई कंप्लीट हो गई है। और ये 13वीं सिलाई है, 13 इसमें यहाँ पर तीन फंदे सफ़ेद बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे लाल बनाएंगे, एक दो तीन, एक फंदा सफ़ेद और यहाँ पर दो फंदे लाल, एक दो, दो फंदों के बाद एक फंदा सफ़ेद, फिर यहाँ दो फंदे लाल, एक दो, दो फंदों के बाद एक फंदा सफ़ेद, वन और फिर तीन फंदे लाल, एक दो तीन, तीन फंदे और फिर यहाँ तीन फंदे सफ़ेद, एक दो तीन। देखिए ये हमारे एक फूल कंप्लीट हो गया। और ये 13वीं सिलाई है, 13। अब हमसे आगे बना के दिखाते हैं। और यहाँ ये बीच में इस फूल के फूल शुरू हो जाएगा और बीच में ये हमारे यहाँ छह फंदे सफ़ेद बनेंगे दोनों फूलों के बीच में इस तरह। अब यहाँ पांच तीन फंदे इस तरह इसी तरह बनते चले जाएंगे, तीन फंदे लाल और एक फंदा सफ़ेद, फिर दो फंदे लाल। हम इसे अब आगे आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए हमारी 13 सिलाई कंप्लीट हो गई है। और पीछे की साइड से
14 रो है, 14 सिलाई, इसमें हमने 3 फंदे सफ़ेद बनाने हैं शुरू में, एक दो तीन, 3 फंदों के बाद 2 फंदे लाल, इस फंदे को इस तरह ले लेंगे, इस धागे को हर बार इसी तरह लें, एक दो, दो के बाद एक सफ़ेद, 1, फिर 3 यहाँ पर लाल बनेंगे रेड कलर के, एक दो 3, 3 के बाद एक सफ़ेद, फिर 3 लाल, एक दो और 3, 3 के बाद फिर एक सफ़ेद, सॉरी, एक सफ़ेद के बाद फिर 2, 2 लाल, एक दो, 2 लाल, 2 लाल के बाद फिर यहाँ पर 3 सफ़ेद बनेंगे, एक दो 3। देखिए ये हमारी 14वीं रो है, 14 रो, देखिए 14 सिलाई है ये, हमने जो फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक बना के दिखाए आपको, यहाँ से आगे इसी तरह बनाने हैं, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। यहाँ की बार भी बीच में 6 फंदे बनेंगे, ये हमारे यहाँ कूल के बीच है, तो यहाँ 6 फंदे बनेंगे और इससे आगे इसी तरह बनाते चले जाएंगे। देखिए ये हमारी 14 सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये 15वीं सिलाई है, और 15वीं सिलाई में 1 फंदा हम सफ़ेद रंग का बनाएंगे, और फिर यहाँ पर 3 फंदे हरे बनाएंगे ग्रीन कलर के, एक दो 3, 3 फंदों के बाद 1 फंदा सफ़ेद रंग का, और फिर यहाँ 4 फंदे लाल रंग के बनाएंगे, एक दो 3, 4, 1 फंदा सफ़ेद रंग का बनाएंगे, फिर 4 फंदे लाल रंग के, एक दो 3, 4, 1 फंदा सफ़ेद रंग का, और 3 फंदे हरे रंग के, एक दो 3, 3 फंदे हरे रंग के, और 1 फंदा सफ़ेद रंग का। ये देखिए ये हमारा एक फूल के कंप्लीट हो गए हैं यहाँ इस तरह, फिर 1 फंदा हम यहाँ पर एक इधर की साइड का बनाएंगे, और 3 फंदे ये हरे बनाएंगे। देखिए ये हमारी 15वीं सिलाई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये फूल के फंदे कंप्लीट हो गए हैं, 15वीं सिलाई है ये, हम इसे आगे आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये हमारी 15 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं, और अब ये हमारी यहाँ पर 16वीं सिलाई है। देखिए ये पीछे से बनेगी, और पीछे से देखिए इस तरह फंदे आपस में फंसते हुए चले जा रहे हैं। यहाँ हम 16वीं सिलाई में शुरू में 3 फंदे हरे बनाएंगे, एक दो 3, 3 फंदे हमने हरे बना लिए, 2 फंदे यहाँ सफ़ेद बनाएंगे, एक दो, और 4 फंदे लाल बनाएंगे। इन धागों को इस तरह लेने, और इस तरह लेने कि अगली तरफ से इतना पूरा ढीला रहे, ज़्यादा खींच के ना लें, एक दो 3, 4, 1 फंदा 1 फंदा सफ़ेद बनाएंगे, और फिर 4 फंदे लाल बनाएंगे, एक दो 3, 4,
चार फंदों के बाद दो फंदे सफ़ेद बनाएंगे, एक दो, दो फंदों के बाद सफ़ेद के बाद यहाँ पर हम एक दो तीन फंदे हरे बनाएंगे। देखिए ये एक फूल के फंदे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ से दूसरा शुरू करेंगे और ये इस तरह यहाँ पर बीच में दोनों फूलों के छह फंदे बन जाएंगे हरे। दो चार, ये बीच बन गया, यहाँ पर ये छह फंदे बन गए और ये 16वीं सिलाई है। हम इसे आगे आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारी यहाँ पर 16 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं और ये 17वीं है। इसमें हमने शुरू में दो हरे बनाने हैं, एक दो, दो के बाद चार सफ़ेद, एक दो तीन चार, चार सफ़ेद, चार सफ़ेद के बाद दो लाल बनाने हैं, एक और दो, यहाँ पर तीन फंदे सफ़ेद बनाएंगे बीच में। देखिए एक दो तीन, दो लाल, एक दो, दो के बाद चार सफ़ेद, एक दो तीन चार, दो हरे, एक दो। देखिए एक फूल के फंदे कंप्लीट हो गए हैं इस तरह और यहाँ पर अब की बारी चार फंदे हरे बन जाएंगे बीच में इस तरह। देखिए दो इधर के हैं और दो इधर के, यहाँ से यहाँ तक एक फूल के फंदे कंप्लीट हो गए। हम आपको इसे बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारी 17 सिलाइयों में ये हमारी फूल का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा फंदों में बनाना है तो आप यहाँ पर 17 फंदे और बढ़ा सकते हैं। सॉरी 19 फंदे बढ़ा सकते हैं, 19 फंदे और एक फूल के बढ़ा सकते हैं आप अगर ज़्यादा में बनाना है। और देखिए यहाँ अगर आपको ये डिज़ाइन बार बार कई बार डालना है या बॉर्डर के रूप में इतना ही डालना है, दोबारा से डालना है, तो यहाँ इसी अब की बार हम इस पर सफ़ेद पूरे वाइट कलर की रो बनाकर आपको सिलाई दिखाते हैं। तो उसके बाद आप दो सिलाई और बना के या एक सिलाई बना के दो बीच में सफ़ेद कलर की बना के जिस कलर से आप बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन को फिर दोबारा से डाल सकते हैं पूरे जर्सी या स्वेटर या कार्डिगन में, जिसमें भी आपको डालना हो। और अगर बॉर्डर में ही बनाना है नीचे नीचे तो इस तरह ही बना सकते हैं। मैं इसे पे आपको पीछे से सफ़ेद रंग की सिलाई बना के आपको दिखा दी है। देखिए हमने आपको यहाँ तक डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।